कर्नाटक के वजीर अखलती उमूर जमीर अहमद खान ने आज हज भवन में मुनक्कद तकरीब में एक बड़ा ऐलान किया। वजीर अखलती उमूर ने तकरीब से खिताब करते हुए ऐलान किया कि हज भवन में काम करने वाले 200 रजाकारों को उमरा के मुकद्दस सफर पर भेजा जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी हज भवन के रजाकारों के एजाज में तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें 200 वॉलंटियर्स को उमरा पर भेजने का ऐलान किया गया है। जमीर अहमद खान की तरफ से अब तक हज भवन के 900 वॉलंटियर्स को सफर उमरा पर भेजा जा चुका है। सफर उमरा पर इस साल 50 खवातीन और उनके साथ 50 मरहम और 100 मर्द वॉलंटियर्स उमरा पर जाने का शर्फ हासिल करेंगे। अभी वो लोग महरूम के बगैर नहीं जा सकते, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है। उनके साथ में 50 जन उन लोग लेडीज के साथ में जो भी मेरे माँ बहना में जाते हैं उन लोग के साथ में जो हमारे महरूम बोलते हैं उनका, क्या उनके भाई को ले सकते हैं या वालिद को ले सकते हैं यानी उनके हस्बैंड को ले सकते, उनका चॉइस है। उनको 100 जन को जो हज के जो वॉलंटियर्स हैं उनको बचत के 200 जन को भेजने का इस साल का मैंने फैसला किया। अभी पहले भी 900 अफराद मतलब वॉलंटियर्स जाके हैं उमरा के लिए विजिट जमीर अहमद खान की तरफ से। अभी जो बचे 200 लोग या 300 लोग हैं उनको भेजने के लिए अभी अनाउंस किया है, उसमें लेडीज भी हैं जेंट्स भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाले दिनों में के अंदर बेस्ट टीम बोल के वादा करके है। दिल से है ना, अंदर आप दुआ करेंगे हम लोग, और जो भी वो करते हैं हमारी मुरादें सब पूरा कर रहे हैं, जैसे कि एक फैमिली बन कोई करते ना ऐसा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे सर के पर उनको साया बना के रखे, सलामत रखे।